ये वाला मेनी टू वन रिलेशन है, सब भी एक ही वन के साथ है, तो पहला वाला फंक्शन है योर मेनी टू वन रिलेशन इज ए फंक्शन, सभी वन के साथ ये करते हैं, मेनी टू वन रिलेशन इज ए फंक्शन, ये क्यू फंक्शन है, मेनी टू वन रिलेशन क्यू फंक्शन है पहला वाला, तो लिखोगे मेनी टू वन रिलेशन इज फंक्शन। ओके, हमारा जो फंक्शन का जो क्राइटेरिया है ये 2 है, 5 है, 1 है, 2 है, 5 है, 8 है, और इसके बाद 11, 14, 17। ओके, ये सभी 1 के साथ रिलेशन, 2 का रिलेशन भी 1 के साथ है, 5 का रिलेशन भी 1 के साथ है, 8 का रिलेशन 1 के साथ है, 11 का रिलेशन भी 1 के साथ है, 14 का रिलेशन भी 1 के साथ है, 17 का रिलेशन भी 1 के साथ है, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा जो फंक्शन का डेफिनेशन है, पहला एवरी एलिमेंट है शुड हैव इमेज, तो हर एलिमेंट का इमेज है और यूनिक इमेज है रहना है। फंक्शन का डेफिनेशन है कि एवरी एलिमेंट शुड हैव इमेज, जो अगर मैपिंग तुम्हारा ए टू बी है, एवरी एलिमेंट ऑफ ए शुड हैव इमेज, तो यहाँ पर हर एक का इमेज है और दैट इमेज शुड बी यूनिक, एक ही रहना है। टू का एक ही इमेज है, कौन है? वन। फाइव का एक ही इमेज है, कौन है? वन। तो एट का एक ही इमेज है, वन। इलेवन का भी एक ही इमेज है, तो हर एक का यूनिक इमेज है, तो डेफिनेशन ऑफ फंक्शन को सेटिस्फाई कर रहा है। और यू कैन से राइट मेनी टू वन रिलेशन इज ए फंक्शन, मेनी टू वन रिलेशन इज ए फंक्शन, मेनी टू वन रिलेशन इज ए फंक्शन। यहाँ पर टोटल नंबर फंक्शन कितना बन सकता है बोलोगे? टोटल नंबर ऑफ फंक्शन हमारा अगर ए टू बी होता है ना बच्चों, टोटल नंबर ऑफ फंक्शन क्या होता है? टोटल नंबर ऑफ फंक्शन बच्चों होता है, अगर मैपिंग ए टू बी है, टोटल नंबर ऑफ फंक्शन होगा ये कार्डिनेट ऑफ द बी का पावर, कार्डिनेट ऑफ द ए, टोटल नंबर ऑफ फंक्शन। यहाँ बी में एक ही तो है आगे, और उसका पावर कितना? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1 का पावर 6। आगे 1 का पावर 6 कितना आएगा? 1 ही आएगा, यार टोटल नंबर फंक्शन 1 आएगा, कार्डिनल नंबर बी का पावर कार्डिनल नंबर है। ओके, क्यों 1 ही आएगा? 2 का और किसी के साथ रिलेशन नहीं रख सकता है, 2 एक ही के साथ ही रिलेशन रख सकता है, 5 एक ही के साथ ही रिलेशन रख सकता है, 8 एक ही के साथ ही रिलेशन रख सकता है, 11 भी एक ही के साथ रिलेशन रख सकता है, 14 एक के साथ रख सकता है, और कौन ये लास्ट वाला 17 एक के साथ ही रिलेशन रख सकता है, दैट ये 1 का पावर 6 आएगा, दैट इज ओके। टोटल नंबर रिलेशन यहाँ पर वाला है, फिलहाल ये फंक्शन है और फंक्शन का डेफिनेशन सेटिस्फाई कर रहा है एवरी एलिमेंट का इमेज है और दैट इमेज यूनिक है, एक ही इमेज है, 2 का एक ही इमेज है, 5 का एक ही इमेज है, 8 का एक ही इमेज है। नेक्स्ट देखिए, ये भी फंक्शन है होगा सेकंड वाला। ओके, देखिए क्वेश्चन नंबर 2 क्या क्या है। पहला ए सेट में क्या है? ओके, ए सेट का क्या है? 2, 4, 6, 8 सेट में क्या है? बी सेट में 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ओके, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 अच्छा देखिए 2 का
इमेज क्या है, टू का इमेज वन है, ओके टू का इमेज वन है, फोर का इमेज क्या है, टू, फोर का इमेज क्या, आप जब देख के बोलेंगे, बुक देख के बोलेंगे फोर का इमेज टू है, सिक्स का इमेज क्या थ्री है, थ्री, एट का इमेज क्या है, फोर, टेन का इमेज क्या है, फाइव, ट्वेल्व का इमेज क्या है, सिक्स, फोर्टीन का इमेज सेवन। यहाँ पर एक्स्ट्रा भी रह सकता है, एक्स्ट्रा भी रह सकता है, एक्स्ट्रा रहने से वो भी फंक्शन है। तो बच्चे यह सेटिस्फाई कर रहा है एवरी एलिमेंट ऑफ द इमेज और सभी का एक ही यूनिक इमेज है, ओके। तो यहाँ पर इज ए फंक्शन लिखोगे, क्या रीजन है एक फंक्शन, क्या रीजन है, क्योंकि एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए हैज एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए हैज यूनिक इमेज इन सेट बी, यूनिक इमेज इन सेट बी, दैट्स व्हाई इट इज ए फंक्शन, ओके। सो इट इज ए फंक्शन। यहाँ पर अगर टोटल नंबर ऑफ फंक्शन पूछे कितना है, टोटल नंबर ऑफ फंक्शन पूछेगा क्या होगा, ये कार्डिनेट ऑफ बी का पार कार्डिनेट ऑफ ए, अगर मैपिंग ए टू है बी है तो कार्डिनेट ऑफ बी कितना सेवन है, कार्डिनेट ऑफ ए कितना, कार्डिनेट ऑफ ए कितना बच्चों देखो, एक दो तीन चार पांच छह सात, फोर्टीन तो है, तो सेवन का पार सेवन आएगा, टोटल नंबर ऑफ ए कैसा आएगा, टू जो है ना सात के साथ रिलेशन रख सकता है, ओके टू जो है कोई सेवन के साथ ही रिलेशन रख सकता है, ओके टू का सात का एलिमेंट के साथ रिलेशन रख सकता है, ये सात को, ओके उसी तरह फोर भी सात के साथ रख सकता है, क्यों रख सकता है, अगर टू वन से रखा है ये सेवन भी वन से रख सकता है, क्योंकि मेनी टू वन रिलेशन इज फंक्शन, ओके टू सात एलिमेंट साथ रख सकता है, फोर सात एलिमेंट के साथ रख सकता है, छह भी सात एलिमेंट के साथ रख सकता है, आठ भी सात एलिमेंट के साथ रिलेशन रख सकता है, दस भी ओके सात एलिमेंट के साथ रख सकता है, बारह भी सात एलिमेंट के साथ रख सकता है, तो ऐसे आएगा सात रो आएगा, सेवन का पार सेवन आएगा, ओके ऐसे सात रो आएगा, तो सेवन का पार सेवन आएगा, अगर टू वन के साथ रख सकते हैं सेवन भी रख सकते हैं वन के साथ, क्योंकि योर मेनी टू वन रिलेशन इज ए फंक्शन, तो टू सात के साथ रख सकते हैं, चार भी सात एलिमेंट के साथ, इसी तरह सात एलिमेंट सेवन टू एलिमेंट के साथ है, सेवन का पावर ये कार्डिनेट बी का पावर कार्डिनेट ऑफ ए, टोटल नंबर ऑफ फंक्शन। नेक्स्ट मतलब देखो थर्ड वाला, कहीं पर अगर फर्स्ट एलिमेंट रिपीट कर लेता है ना वो फंक्शन नहीं होता है, कहीं पर भी फास्ट एलिमेंट रिपीट कर लेता है तो फंक्शन नहीं होता है। यहां पर देखो ये मैपिंग देखो उसका, ओके ये रहता है ये वन टू है, पहला एलिमेंट है वन टू है, सेकंड एलिमेंट है थ्री फाइव, ओके ए टू भी ले लेते हैं, वन का रिलेशन थ्री है और वन का रिलेशन फाइव है, ये यूनिक इमेज नहीं रहा, वन का एक का साथ रिलेशन नहीं रहा, यहां पर यूनिक इमेज है, दो एक का साथ रिलेशन है, पांच एक का साथ रिलेशन है, लेकिन यहां पर जो है वन का यूनिक इमेज नहीं है, फिर वन टू मेनी रिलेशन इज नॉट ए फंक्शन। लिखोगे हमारा सेकेंड क्राइटेरिया एवरी एलिमेंट शुड हैव इमेज, ये तो है, लेकिन एवरी एलिमेंट शुड हैव यूनिक इमेज, एक ही इमेज रहना है, वन का दो इमेज हो गया इट इज नॉट अ फंक्शन, ओके यू राइट
वन टू मेन रिलेशन इज नॉट ए फंक्शन. वन टू मेन रिलेशन इज नॉट ए फंक्शन, थर्ड वाला फंक्शन नहीं. नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन. ठीक है, ये माइनस मॉड एक्स का जो है ना, ये जो ग्राफ है, ओके, ये मॉड एक्स का ग्राफ है, ओके, ये जो है ग्राफ जो है मॉड एक्स का ग्राफ है, ओके, ये एक्स और क्या एक्स डैश, ये वाई और क्या वाई डैश, ये एपेक्स इक्वल टू मॉड एक्स का ग्राफ है. इसमें माइनस जब लगेगा उल्टा हो जाएगा, पलटी खा देगा वहीं पर. जब ये माइनस लगेगा बच्चों, यहीं पर ही पलटी खाएगा. ठीक है, ये किसका ग्राफ है? ये किसका ग्राफ है? देखिए x और x डैश, हाँ, y और y डैश, ये fx इक्वल टू माइनस मॉड x ग्राफ. उसका जितना x का यूज हुआ डोमेन होता है, जितना y का यूज हुआ रेंज होता है. जो x का पूरा यूज हुआ है तो डोमेन रियल नंबर, और एक दम से माइनस इनफिनिटी से प्लस इनफिनिटी, और रेंज जितना y का यूज हुआ है, माइनस इनफाइनाइट से इनफाइनाइट हमेशा ओपन ब्रैकेट रहता है, माइनस इनफाइनाइट से जीरो, माइनस इनफाइनाइट से जीरो, ये रेंज है. और ऐसा भी कर सकते हो, मॉड एक्स का रेंज डोमेन तो उसको पता है, मॉड एक्स का डोमेन ये है आर है, और अलजेब्रिकल भी कर सकते हो, डोमेन ऑफ द फंक्शन आर है, ओके, रेंज ये मॉड एक्स हमेशा उसका जो वैल्यू है ग्रेटर देन जीरो रहता है, मॉड एक्स का वैल्यू जीरो से ज्यादा रहता है, हमेशा पॉजिटिव मॉड एक्स का. इसमें माइनस मल्टीप्लाई कर दो, दोनों जब माइनस मल्टीप्लाई कर दो, साइन ऑफ द इनइक्वालिटी चेंज होता है, मीन्स जो फंक्शन जो है वो लेस देन जीरो है, मीन्स जो है वाई बिलोंग्स टू क्या हो जाएगा, ये माइनस इनफिनिटी जीरो, ऐसा भी लिख सकते हो, ऐसा भी लिख सकते हो, बिना ग्राफ में ऐसा ही लिख सकते हो. सर बोल सकते हो क्या आएगा, डोमेन क्या है, रेंज क्या बोल सकते हो? सर डोमेन आया -3 + -3 + 3. हाँ, रेंज 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 आया 0 0 to 3 क्लोज ब्रैकेट. ये याद रख सकते हो तुम, ओके, ये हमें मेमा अच्छा तरह याद रखा. सर मैं अगर डायरेक्ट टेक के बोलना चाहूँ तो मैं बोल नहीं सकती, करके ही मुझे आईडिया. अच्छा ठीक है, बहुत अच्छा है, वही अच्छा है, ये नैना पूरा डायरेक्ट बोलेगी. नैना बोलो इसका क्या डोमिनेंस, अरे इसके बोलो, अरे इसका माइनस, सर माइनस टू, और ये भी ना 0 to 2. हाँ इसका बोलो, अरे इसका बोलो, इसका बोलो -4 to 4. और इसका -4 to 4 0 to 4. अच्छा यही क्वेश्चन थोड़ा चेंज कर दे, ये 9 - x² और x² - है तो उल्टा हो जाएगा, ये 3 to ∞ यूनियन, ये द्वारा -3 से -∞ से 3. यही क्वेश्चन को थोड़ा चेंज कर दे, x² - 9 है, और ये से 0 to ∞ ना क्या है मुझे पता नहीं इसका, ठीक है, एक क्वेश्चन को थोड़ा उल्टा दे, एक्स का वैल्यू यहाँ पर इसका रेंज 0 आएगा, एक्स का वैल्यू 3 डालोगे ना उसका रेंज 0 आएगा, यही क्वेश्चन को थोड़ा उल्टा दे, 9 - x करके ये, और प्लस x कर देना, ये 3 to ∞,
माइनस इनफाइन थ्री, ये उल्टा ऐसा हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस नाइन कर देंगे, ठीक है। और ये जीरो कितना नहीं आएगा, क्योंकि जब थ्री डालेंगे जीरो आएगा। तो ये देखिए हम लोग का ये मेथड वाइज करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जब भी ऐसा रहता है हमारा डोमेन का कंडीशन है पी ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, तो ये डोमेन ऑफ द फंक्शन क्या होता है, ये नाइन माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू जीरो। ओके, देन उसके बाद बच्चों इसको लीनियर में कन्वर्ट करेंगे, ये थ्री प्लस एक्स और क्या थ्री माइनस एक्स ग्रेटर देन जीरो। उसके बाद बच्चों टर्निंग पॉइंट्स निकालेंगे और क्रिटिकल पॉइंट निकालेंगे कहाँ पर ये जीरो बनता है। जैसे राइट में इक्वल टू जीरो तो नंबर लाइन में होता है, तो टर्निंग पॉइंट ये माइनस थ्री प्लस थ्री होगा, ठीक है। देन बच्चे ये द्वारा क्या होगा, उसको असेंडिंग ऑर्डर में सुझाओ, इनफाइनाइट और क्या माइनस इनफाइनाइट। उसके बाद यहाँ पर फॉर्ड लेके इसमें डालो, प्लस आ रहा ना माइनस आ रहा। सपोज फोर लेते हो, ये द्वारा पॉजिटिव आ रहा है, ये नेगेटिव आ रहा है, पॉजिटिव इंटू नेगेटिव नेगेटिव आ रहा है। ओके, अगर तुम्हारा जीरो लेते हो, इनके बीच में पॉइंट जीरो नहीं तो वन लेते हो, वो जीरो ले लेते हैं, ये थ्री आ रहा है, ये भी थ्री, थ्री तीजा नाइन आ रहा है, पॉजिटिव आ रहा है। देन इसके बीच में अगर हम पॉइंट लेते हैं माइनस फोर लेते हैं, ये नेगेटिव आ रहा है, ये भी नेगेटिव, नेगेटिव इन नेगेटिव पॉजिटिव आ रहा है। अरे प्रॉब्लम है थोड़ा, देखिए इनके बीच में लेते हैं माइनस फोर, थ्री माइनस फोर माइनस वन होता है, और ये माइनस फोर माइनस थ्री, थ्री माइनस फोर माइनस वन होता है, अगर ये थ्री माइनस ऑफ माइनस वन प्लस फोर हो जाएगा सेवन हो जाएगा, सेवन ये नेगेटिव आता है। ग्रेटर देन इक्वल टू पॉजिटिव पार्ट लेंगे तो नेक्स्ट बिलोंग्स टू कितना हो जाएगा, माइनस थ्री से क्या प्लस, ठीक है, एक्स बिलोंग्स टू माइनस थ्री से प्लस। देन द्वारा क्या रेंज में क्या होता है, अपेक्स मतलब वाई लिखते हैं, रेंज ऑफ द फंक्शन में क्या होता है, एफएक्स मतलब वाई लिखते हैं, वाई इक्वल कितना नाइन माइनस एक्स स्क्वायर। जब रेंज होता है एफएक्स मतलब वाई लिखेंगे, देन गेट एक्स इन टर्म्स ऑफ वाई, ये द्वारा वाई स्क्वायर इक्वल टू वाई स्क्वायर माइनस नाइन इक्वल टू माइनस एक्स स्क्वायर। ओके, ऐसे ही रहने दीजिए, वाई स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा, y स्क्वायर इक्वल टू नाइन माइनस एक्स स्क्वायर, ये उधर आया y स्क्वायर इक्वल टू नाइन माइनस एक्स स्क्वायर, माइनस एक्स स्क्वायर इधर ले लीजिए, ये नाइन माइनस वाई स्क्वायर, माइनस एक्स स्क्वायर उधर, y स्क्वायर को उधर, देन x इक्वल टू नाइन माइनस वाई स्क्वायर का रूट करो। ओके, x इक्वल टू नाइन माइनस वाई स्क्वायर का रूट करो। अब बच्चों क्या होता है, हमारा ये x को इंटर्स y आने के बाद जो डोमेन का फंक्शन है वही, जो डोमेन का कंडीशन है वही डालते हैं, इस बार 9 माइनस वाई स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। जब ऐसा रहता है कंडीशन है p ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, देन बच्चों ये द्वारा ये फैक्ट लीनियर फैक्टर में करो, ये थ्री प्लस वाई थ्री माइनस वाई, इसका क्रिटिकल पॉइंट निकाल लो, क्रिटिकल पॉइंट निकालो। ओके, तो वाई का वैल्यू क्या आता है, थ्री आता है क्या, माइनस थ्री, इसको नंबर लाइन में सजाओ, ये माइनस थ्री प्लस थ्री इनफाइनाइट, ये माइनस इनफाइनाइट, उसी की तरह ये बनेगा माइनस प्लस माइनस, उसी की तरह वाई आएगा, तो प्लस ग्रेटर देन है तो वाई बिलोंग्स टू क्या, वाई बिलोंग्स टू माइनस थ्री से प्लस थ्री होगा, लेकिन एफ एक्स इज ए स्क्वायर रूट फंक्शन सो इट नेवर बी नेगेटिव, ये एफ एक्स जो है वाई नेवर बी नेगेटिव, सिंस एफ एक्स इज ए स्क्वायर फंक्शन वाई नेवर बी नेगेटिव, सिंस एफ एक्स इज ए स्क्वायर रूट फंक्शन। तो अगर ये स्क्वायर फंक्शन y कभी नेगेटिव नहीं हो रहा है तो माइनस थ्री से प्लस थ्री अब आया, माइनस थ्री से प्लस थ्री, ये इसमें क्या करो, ये काट दो नेगेटिव पार्ट काट दो, तो y बिलोंग्स टू जीरो टू जीरो, y बिलोंग्स टू जीरो, इसी तो द्वारा रेंज ऑफ द फंक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो,
नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 12 थ्री देखो, ये थ्री आराम से कर सकते हो, क्लास 10 में हम किए थे या 9th में किए थे। डालो एफ ऑफ जीरो निकालो, एक्स के बदले जीरो डालो। ओके चलो, एक्स के बदले जीरो डालो, एफ एक्स क्या दिया 8x-5, एफ ऑफ जीरो बोलो 2 × −5 आएगा। एफ ऑफ सेवन बोलो 2 × 7 आएगा, और एफ ऑफ माइनस थ्री बोलो, हाँ एफ ऑफ माइनस थ्री बोलो, your p of c 9 × c/5 + 30, ये p of 0 9/5 × 0 + 30, ये आपका 32 आएगा, ये t of 48 9 × 5 × 48 + 30, ये मल्टीप्लाई हो जाएगा 9 × 28 कितना आया, 9 × 28 कितना है, 9 × 8 = 7, हाँ 252 + 32, इसका एलसीएम लेके किए बच्चों कितना आया, पहले 9 × 22 28 कर दो, ये 9 × 28 9 × 8 = 72, 2 × 7 9 × 14 + 7, तो नहीं आ रहा है, 9 × 8 = 72 7, 9 × 18 + 7 25, ठीक आ रहा है, उसका देखो ऐड कर दो एलसीएम लेके। ओके ऐड किए बच्चों, सर 82.4 आ रहा है, और तो इतना ऐसा छोड़ दो नहीं तो। नेक्स्ट क्या देखो, 9 × t − 10 देखो, ये 9 × 5 − 10 ये +32 कट जाएगा, ये −18 + 32 देखो कितना आएगा, 16 यस सर। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन है, ये टी ऑफ सी 212 दे दिया। ओके देखो ये टू ऑफ टी ऑफ सी दे 9c/5 + 32, टी ऑफ सी 212 9c/5 + 32, पहले +32 उधर जाके −32 सी निकालना है, +32 जाके −32 करो, ओके ये कितना रहा देखो, 180 ओके, अच्छा ÷5 × 5 होगा, ÷9 × 9 होगा, c निकालना था बच्चों, ओके ये 9 × 5 × c = 100, ठीक है बच्चों, c 100 टेम्परेचर था, ये सेल्सियस, ओके एक्चुअली ये तुम्हारा फारेनहाइट का है, टी ऑफ सी एफ का फारेनहाइट का, हम लोग का फारेनहाइट का फॉर्मूला है 9 × 5 × c + 30, ये फॉर्मूला बहुत जरूरी है, ये फारेनहाइट का फॉर्मूला है, हम आप जो निकाले सेल्सियस निकाले, ये सब फारेनहाइट में आंसर आएगा, ये सब एफ में आएगा, इतना एफ इतना फारेनहाइट में आएगा, लेकिन ये हमें डिग्री सेल्सियस निकाले।
नेक्स्ट देखिए, ओके यहाँ पर डोमेन ऑफ द फंक्शन गिवन है, ये दैट इज एक्स ग्रेटर देन 0, ओके नेक्स्ट द फंक्शन देखिए, एक्स ग्रेटर देन 0 गिवन है, ओके एक्स ग्रेटर देन 0 गिवन है, पहले माइनस 3x कीजिए, इधर माइनस 3 मल्टीप्लाई कीजिए, जब माइनस मल्टीप्लाई करते साइन मल्टीप्लाई, ये इधर माइनस 3 उधर माइनस 3 मल्टीप्लाई कीजिए, इधर माइनस 3 उधर ही माइनस 3, जब माइनस मल्टीप्लाई करते साइन रिवर्स होता है, उसमें फिर प्लस 2 कीजिए, इधर प्लस 2 किए, इधर भी प्लस 2 किए, ओके देन इसके बदले एफ एक्स लिख सकते हैं, ओके ये 2 माइनस 3x का हमें रेंज चाहिए था, पहला x ग्रेटर देन 0 गिवन में दिया था, माइनस 3x दोनों तरफ मल्टीप्लाई किए, उसके बाद प्लस 2 ऐड किए, उसके लिए fx लिख सकते हैं, देन y बिलोंग्स टू कितना आएगा, ये माइनस इनफिनिट से माइनस 2, पर लेस देन 2, यहाँ पर लेस देन 2 मींस आपका माइनस इनफिनिट से 2 तक, ओके सॉरी प्लस 2 था ना, सॉरी ये प्लस 2 है ना, यस सर, माइनस इनफिनिट से 2, और ये ओपन ब्रैकेट रहेगा क्योंकि यहाँ पर इक्वल नहीं है, अगर इक्वल होता लेस देन इक्वल होता तो क्लोज होता, और ओपन ब्रैकेट में यहाँ पर भी ऐसा ओपन रहेगा, ये भी ओपन रहेगा, उसको कुछ गार्ड ये नहीं किया जाएगा, वो भी ओपन रहेगा, ये पूरा ओपन रहेगा थोड़ा, ओके ये माइनस फंक्शन जो है लेस देन 2 है, मीन्स वाई बिलोंग्स टू जो है माइनस इंटीग्रेशन टू है। नेक्स्ट क्वेश्चन बनाइए, नेक्स्ट क्वेश्चन इसका रेंज पूछा है, डोमेन तो दे दिया है, डोमेन ऑफ फंक्शन रियल नंबर बोल रहे, देखो एक्स स्क्वायर का वैल्यू जो है हमेशा 0 से ज्यादा होता है, ओके एक्स स्क्वायर का वैल्यू 0 से इनफाइनाइट होता है, और नहीं तो एक्स स्क्वायर ऐसा लिख सकते हो आप, एक्स स्क्वायर जो है हमेशा एक्स स्क्वायर का वैल्यू हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होता है, स्क्वायर का वैल्यू हमेशा ग्रेटर देन 0 होता है, इधर प्लस 2 कीजिए, इधर भी प्लस 2 कीजिए, एक्स स्क्वायर प्लस 2 को बदले एफ एक्स लिखिए, ये ग्रेटर देन ये, देन y बिलोंग्स टू क्या हो गया, ये इंक्लूडिंग टू से इंटरनेट होता है, अच्छा नहीं तो तुम इसको ग्राफिकल भी कर सकते हो, ओके ये ग्राफिकली कर सकते हो, एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर, ये शिफ्टिंग ऑफ द ग्राफ पढ़ाया नहीं है कुछ बच्चों को, ये जो ग्राफ है एफ एक्स इक्वल एक्स स्क्वायर है, ग्राफिकली भी कर सकते हो, जब प्लस 2 मीन्स ये 2 में चला जाएगा, प्लस 2 करोगे तो ये y एक्सिस में शिफ्ट हो गया, ये fx इक्वल टू x स्क्वायर बाय 2 हो गए, x स्क्वायर प्लस 2, जितना x का यूज है डोमेन, जितना r का यूज है रेंज, तो डोमेन ऑफ द फंक्शन x का जितना यूज हुआ, रेंज ऑफ द फंक्शन जितना y का यूज हुआ, y का कहाँ से यूज हुआ, 0 सॉरी 2 से इनफाइनाइट यूज हुआ, y का जो इंक्लूडिंग 2 से इनफाइनाइट यूज हुआ, अब चला जाएगा लेस देन हमने क्या इसे रिकनेक्ट होना है, ये तुम्हारा आइडेंटिटी फंक्शन है, डोमेन भी आ रहे हैं रेंज भी आ रहे हैं, fx इक्वल x ये आइडेंटिटी फंक्शन है, ओके इसका डोमेन भी आ रहे रेंज भी आ रहे, इसे ग्राफ करोगे आइडेंटिटी फंक्शन, ये ग्राफ बनाओगे तो बच्चे ऐसे जाएगा, ये एफ एक्स इक्वल एक्स है और वाई इक्वल एक्स है, डोमेन भी आ रहे रेंज भी आ रहे, और ये 45 डिग्री बनाता है, ओके ये आइडेंटिटी फंक्शन है, बड़ा
इसका डोमेन ऑफ द फंक्शन फाइंड करना है। पहला एक्स कॉमन कर ले लो, तब द्वारा ये एक्स है और ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ए प्लस बी और क्या ए माइनस ठीक है। अच्छा पी बाय क्यू है, पी बाय क्यू में क्यू नॉट इक्वल टू जीरो होता है डोमेन का कंडीशन में, तो यहाँ पर एक्स नॉट इक्वल टू जीरो होना, ये इसे इक्वल करोगे तो जीरो आएगा, एक्स का वैल्यू जीरो डाल दोगे ना वन बाय जीरो इंक्रीमेंट हो जाएगा, और इसे इक्वल करोगे तो माइनस वन आएगा, इसे इक्वल करोगे तो वन आएगा। तो तुम्हारे यहाँ पर डोमेन ऑफ द फंक्शन जो है क्या क्या नहीं होना चाहिए, जीरो नहीं होना चाहिए, माइनस वन नहीं होना चाहिए, वन भी नहीं होना चाहिए, ये सभी नहीं होना चाहिए, जीरो माइनस वन वन नहीं होना चाहिए ठीक है। ए डोमेन जीरो हो जाएगा तो वन बाय जीरो, माइनस वन हो जाएगा फिर ये जीरो हो जाएगा, माइनस वन प्लस वन जीरो, प्लस वन हो जाएगा तो ये जीरो हो जाएगा, ये डोमेन ऑफ द फंक्शन। तुम इसको थोड़ा फैक्टराइज करना था ओके ठीक है। अच्छा क्वेश्चन था, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या लॉग टू एक्स स्क्वायर बाय टू, इसका डोमेन पूछा होगा। यस सर, हमारा लॉग में क्या होता है ना, लॉग का क्या डोमेन का कंडीशन बोल देता हूँ, लॉग का कंडीशन अगर ऐसा होता है ओके, ये लॉग का कंडीशन होता है कि ये एक्स जब ऐसा है एफ एक्स इक्वल लॉग एक्स, इसका डोमेन का कंडीशन क्या होता है, एक्स ग्रेटर देन जीरो, ए ग्रेटर देन जीरो, ए नॉट इक्वल, इतना। तो फिलहाल ये तो ए के बारे में दिक्कत नहीं है, ए का वैल्यू तो टू दे दिया है यहाँ पर, ये यहाँ पर एक्स जो है ग्रेटर देन जीरो मीन्स ये तुम्हारा जो है ना एक्स स्क्वायर प्लस टू, ये तो ऑलवेज ग्रेटर देन जीरो, स्क्वायर हमेशा ग्रेटर देन जीरो होता है, फिर भी हम लिख देते हैं कंडीशन है एक्स ग्रेटर देन जीरो होना है, दैट इज एक्स स्क्वायर बाय टू ग्रेटर देन जीरो होना है ओके, ये लॉग का। सेकेंड बात है तो साइन इनवर्स है ना, साइन इनवर्स एक्स, उसका डोमेन जो है वो साइन इनवर्स एक्स का डोमेन जो है ये द्वारा माइनस वन से प्लस वन होता है, साइन इनवर्स का जो एक्स, साइन इनवर्स का एक्स जो है वो माइनस वन से प्लस वन के बीच में रहता है, ये तुम 12 क्लास में पढ़ोगे इनवर्स ट्रिगोनोमेट्री सम 12 क्लास में, साइन इनवर्स का जो है वो माइनस वन से प्लस वन होता है। साइन एक्स का क्या था, साइन एक्स का डोमेन था आर, रेंज क्या होता है माइनस वन से प्लस वन, साइन एक्स का, साइन एक्स का मिनिमम वैल्यू माइनस वन, मैक्सिमम वैल्यू प्लस वन, जब उसको इन्वर्स कर देंगे इसका रेंज जो उसका डोमेन बन जाएगा, जब इसका इन्वर्स करेंगे इसका रेंज इसका डोमेन बनेगा इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री में, ये साइन इन्वर्स एक्स का है, तो साइन इन्वर्स का डोमेन याद रखो माइनस वन से प्लस वन रहता है, एक्स का वैल्यू साइन इन्वर्स का जो डोमेन जब बोलते हैं तो एक्स का वैल्यू माइनस वन से प्लस वन रहता है ओके। तो यहाँ पर साइन इन्वर्स का एक्स कौन है, ये है, ये साइन इन्वर्स का ये एक्स है, ये टोटल एक्स है, तो ये द्वारा क्या होगा, ये लॉग टू एक्स स्क्वायर बाय टू ओके, द्वारा ओके ये माइनस वन से क्या प्लस वन, तो अच्छा लॉग ये द्वारा ऐसा आता है उसका कंडीशन ओके, देन ये द्वारा क्या आएगा, ये इस तरफ आ जाएगा, ये द्वारा चला जाएगा, ये द्वारा क्या होगा, ये टू का पावर माइनस वन आएगा, ये देन एक्स स्क्वायर बाय टू, ये भी टू का पावर वन हो जाएगा, फिर से बोल रहा हूं लॉग उधर जाने से पता है, लॉग सब लॉग द्वारा है ओके, सब जिस पर लॉग है ओके, ये एक्स और ये वाई है, मुझे वाई चाहिए तो वाई क्या होगा, ये ऐसे चला जाएगा टू उधर एक्स ओके, ये लॉग हटाना चाहते तो क्या होगा जानते हो, उस तरफ जाएगा टू उधर एक्स हो जाएगा,
यहाँ पर मैं लॉग हटाना चाहता हूँ, ये टू का पर माइनस वन हो जाएगा, टू का पर वन हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर भी एक बात है, अगर ये ग्रेटर देन है तो ये रहेगा, अगर वही चीज अगर लॉग हाफ एक्स होता ना, ये लॉग हाफ होता ना, बेस अगर हाफ होता है, जीरो टू वन रहता है, अगर ये जीरो टू वन रहता ना, इसका इसका हटाएंगे, ये ग्रेटर देन वन में से कोई दिक्कत नहीं है, ये जाएगा। लेकिन सेम चीज अगर तुम्हारा हाफ रहता है ना, ये जाएगा ना वाई, ये जाएगा हाफ का पार एक्स आएगा, यानी साइन चेंज हो जाएगा। ये बेस हाफ रहता है ऊपर उधर जाएगा, उसको लॉग को हटाओगे, बेस जीरो टू वन रहता है उसको हटाओगे ना, ये साइन चेंज होगा। अगर वही लॉग ग्रेटर देन वन रहता है, वही लॉग का बेस ग्रेटर देन वन रहता है, हटाओगे तो साइन चेंज नहीं होगा। तो फिलहाल हमारा साइन चेंज नहीं होगा, क्योंकि ए का वैल्यू जो है ग्रेटर देन वन है। अगर ए का वैल्यू जीरो टू वन होता है, एक तो पढ़ाया था लॉगरिथम इनइक्वालिटी, ए का वैल्यू जीरो टू वन है, इसको अगर लॉग हटाते हो साइन चेंज होता है। ओके, और एक चीज है ए का वैल्यू ग्रेटर देन वन में, अगर इसको लॉग हटाते हो साइन चेंज नहीं होता है। फिलहाल हमारा जो लॉग है ये टू है, इसका बेस क्या था, बेस टू था, इसका जब हटाएंगे ये जाके टू टू दर वन होगा, इस तरफ आके टू टू दर माइनस वन होगा। ओके, टू टू दर माइनस वन क्या होता है, वन बाय टू, एक्स स्क्वायर बाई टू, टू टू दर वन ये होता है। दिन द्वारा क्या होता है कि मल्टीप्लाई टू कर दो, इधर मल्टीप्लाई टू करो, इधर मल्टीप्लाई टू करो, ये वन आएगा, इधर मल्टीप्लाई टू करो एक्स स्क्वायर कट जाएगा, इधर मल्टीप्लाई टू करो फोर हो जाएगा। इसका एक्स चाहिए, इसका स्क्वायर रूट करो, इसका भी स्क्वायर रूट करो, इसका भी स्क्वायर रूट करो, इस एक्चुअल दो उठाया था, प्लस माइनस आता है, प्लस का तो इतना आएगा, माइनस को तो फिर साइन चेंज होगा। ओके, प्लस का स्क्वायर रूट ये दो उठाता है, इसका स्क्वायर रूट दो उठाता है, प्लस का ये आता है, प्लस का कोई दिक्कत नहीं। अगर माइनस का करेंगे, इसका जो स्क्वायर रूट दो उठाता है, प्लस का वही साइन रहता है, लेकिन माइनस का क्या होता है, साइन चेंज हो जाता है। ओके, माइनस एक्स करेंगे तो साइन चेंज हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा। आंसर क्या देखो, उसका क्या दिया है, क्योंकि हमारा एक्स का वैल्यू माइनस का नहीं लेंगे, क्योंकि हमारा एक्स एक्स का वैल्यू, ये भी हमारा कंडीशन है, एक्स का वैल्यू क्या होना है, यहाँ पर माइनस का मतलब प्लस का दो रूट आता है, प्लस माइनस आता है, लेकिन माइनस का मतलब, क्योंकि माइनस में होता तो ये एक्स का वैल्यू लेस देन आ जाएगा हमें, क्योंकि लॉग में एक्स हमेशा पॉजिटिव रहना, ये भी एक कंडीशन है। तो ये फाइनल आंसर ये आएगा, एक्स बिलोंग्स टू वन टू टू, यही आंसर आएगा। या दो कंडीशन, एक एक्स ग्रेटर देन जीरो और एक है साइन इनवर्स एक्स, इसको एक्स टर्म उसको साइन इनवर्स एक्स का वैल्यू हमेशा माइनस वन से प्लस वन रहता है। और पहला लॉग हटा दो, ये टू का पर वन, ये टू का पर माइनस वन, टू का पर माइनस वन वन बाई टू करोगे, फिर टू मल्टीप्लाई कर दो, देन इसका स्क्वायर रूट कर दो दोनों तरफ, या नेगेटिव इसका प्लस माइनस आता है, नेगेटिव मत लो क्योंकि एक्स हमारा ग्रेटर देन जीरो, यही फाइनल आंसर है। सर वन टू आया है सर, क्या बोलो, वन टू आया है, वन टू इसका डोमेन सर, हाँ बोलो, वन टू, वन टू क्लोज रखे, हाँ वन टू कितना तक आंसर दिया है सर, ऑप्शन चार है उसमें से वन टू टू आएगा, लेकिन एक क्लोज ब्रैकेट रहेगा, यही आंसर है। और डाउट कुछ है, कमिंग ईयर में पढ़ा जाएगा दो फंक्शन का एडिशन, हमें फाइंड करना है एफ प्लस जी, ये फाइंड करना है, यही फाइंड करना, तो यस सर, ये आएगा एफ एक्स लॉग जी एक्स, एफ एक्स कितना है और जी एक्स कितना है, इसका सब्ट्रैक्शन भी आएगा,
मल्टीप्लिकेशन भी आएगा, ये नेक्स्ट प्लस पढ़ाएंगे वाला, ये एक्स स्क्वायर प्लस रूट एक्स, ये टू प्लस आर थ्री आ जाएगा, यही आंसर है एफ ऑफ कॉस। इसका सब्ट्रैक्शन करेंगे तो ये माइनस ये हो जाएगा, ये फंक्शन माइनस ये, इंटू करेंगे तो ये फंक्शन इंटू ये फंक्शन, डिवाइड करेंगे तो ये फंक्शन डिवाइड ये फंक्शन, ये नेक्स्ट क्लास पढ़ा जाएगा, यही आंसर आएगा।